क्या आपको पता है ये कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, हम किचन का स्ट्रक्चर किस मटेरियल में बनाए, अगर टर्माइट का इशू है तो हम कौन सा मटेरियल यूज करें, फिनिशिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक मॉडर्न मिनिमल किचन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल को यूज कर सकते हैं, बेसिकली किचन मटेरियल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलएसी डिजाइन स्टूडियो। सबसे पहले हम किचन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसे कारकेस भी बोला जाता है, उसे बनाने के लिए हम प्लाईवुड यूज में लेंगे। प्लाईवुड भी जो है हमें वो दो ही ग्रेड के यूज में लेनी है, या तो BWP या फिर BWR, मींस बॉइलिंग वाटर प्रूफ या बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। अब इनमें से बेटर कौन सा है, ज्यादा बेटर है BWP। अब इसमें एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि जो उसका IS ग्रेड होगा वो 710 का ही हमें प्लाईवुड सेलेक्ट करना है, उसके अलावा और भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ हमें नहीं जाना। और जो हमारे शटर्स बनने वाले हैं ब्लॉक बोर्ड के अंदर लेने, वो प्लाई में नहीं बनेंगे। अब अगर हमारे पास टर्माइट इशू है तो उस सिचुएशन के अंदर आप HDHMR के अंदर जा सकते हो। HDHMR के अंदर खास बात यह है कि ना तो उसके ऊपर वाटर से ऐसा कोई इफेक्ट पड़ता, ना ही टर्माइट से उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। बेसिकली वो ऐसे ही कंडीशंस में यूज करने के लिए उस मटेरियल को डेवलप किया गया है। हालांकि प्लाईवुड से तो कम ही होती है उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, पर हाँ अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप प्लाईवुड यूज नहीं कर सकते तो आप HDHMR की तरफ जा सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगर हम फिनिशिंग मटेरियल्स की बात करें तो सबसे कॉमनली जो यूज होता है मटेरियल वो है लेमिनेट्स। लेमिनेट्स बहुत ज्यादा वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई मार्केट में मटेरियल है जिसके अंदर इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पर किचन के अंदर आपको आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न डिजाइन के किचन बनवाने हैं तो उसके अंदर आप जाइए सॉलिड कलर्स के अंदर ही। कुछ डिजाइन में आप वुडन पैटर्न के साथ भी जा सकते हो। अब इसमें भी दो फिनिशेस जनरली जो यूज में आती है वो है ग्लॉस और एक मैट। अब मैट फिनिश की जो लेमिनेट्स होती है वो तो अच्छी लगती है, काफी अच्छी फिनिशिंग उनकी निकल के आती है, पर अगर आप ग्लॉस लेमिनेट्स के साथ जाने का प्लान कर रहे हो तो उसे फिर आप कारपेंटर से ऑन साइट मत बनवाना, उसके लिए फिर आप फैक्ट्री मेड किचन के साथ ही जाना। क्योंकि जो ग्लॉस लेमिनेट होती है उसके अंदर कारपेंटर के लिए फिनिशिंग ला पाना उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो काफी ज्यादा उसके अंदर वेव्स नजर आएगी, बेसिकली इम्पॉसिबल है कारपेंटर के लिए ग्लॉस लेमिनेट के अंदर फिनिश निकालना। इसलिए आप ग्लॉस लेमिनेट का अगर प्लान करते हो तो आप फैक्ट्री मेड के अंदर जाओ, वहां पर ये चीज काफी इजीली हो सकती है। इनफैक्ट वो आपको सैंपल्स भी दिखा देंगे कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा। और लेमिनेट्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, बस जो मैट फिनिश लेमिनेट्स जो होते हैं साफ करने में थोड़ा मेंटेनेंस का इशू रहता है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पर इन जनरल ओवरऑल ऐसा कुछ इशू है नहीं उसके अंदर। बस इसके अंदर लेमिनेट में एक प्रॉब्लम है जो कि है एजेस की, इस तरह से इसके अंदर डार्क एजेस नजर आते हैं और वो काफी ज्यादा अनोइंग होते हैं। वो बहुत अच्छी फिनिशिंग हमने जो सोचा था वो तो निकल के आ भी जाती है, पर एजेस से काफी ज्यादा गंदे नजर आते हैं इसके अंदर। हालांकि कोर कलर वाली माइकास भी आज के टाइम पे मार्केट में आ चुकी है, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होती है। बेसिकली जो पूरी लेमिनेट है वो एक सिंगल कलर के अंदर बनी होती है, उनके अंदर ऐसे इश्यूज नहीं आते, तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। जो भी लेमिनेट आप सेलेक्ट करो उसकी थिकनेस एटलीस्ट 1 mm होनी चाहिए, 1 mm से कम थिकनेस के जो लेमिनेट्स होते हैं वो हमें बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। अब आपको काफी प्रीमियम ग्लॉस फिनिश चाहिए तो उसके लिए आप जाइए एक्रिलिक के अंदर, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मटेरियल है ये। और ग्लॉस फिनिश का फायदा सबसे अच्छा ये निकल के आता है कि जो स्मॉल साइज का अगर आपका किचन है तो उसके अंदर एक डेप्थ ये हमें प्रोवाइड करता है, विजुअली हमें स्पेस थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। तो ये एडवांटेज होते हैं ग्लोसी फिनिश के साथ जाने में किसी भी मटेरियल के अंदर। अब एक्रेलिक के अंदर भी जो थिकनेस है वो 1 mm से स्टार्ट होती है, और इसमें भी काफी ज्यादा हमें अलग अलग थिकनेसेस के ऑप्शन मिलते हैं, पर हमें 1.5 mm से कम के थिकनेस में नहीं जाना है इसके अंदर भी। फिर 150 पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा प्रीमियम फिनिश चाहिए और आपका बजट कितना अलाउ करता है, क्योंकि एक्रेलिक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एटलीस्ट आपको लेमिनेट से डबल प्राइसेस के लिए पे करना पड़ेगा। मेंटेनेंस इनका ऐसा कुछ होता नहीं है, बस इसमें एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखना कि जो भी एक्रेलिक आप सेलेक्ट करो वो एंटी स्क्रेच वाली हो तो ज्यादा ड्यूरेबल रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएगी। और इनके अंदर ऐसे इश्यूज नहीं आते जैसे लेमिनेट्स में होते हैं कि एजेस हमें डार्क नजर आ रहे हैं, ऐसा इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। एक्रेलिक के अंदर आपको मैट फिनिश भी देखने को मिल जाती है, सिर्फ ग्लॉस में नहीं आती है। अब अगर आपको कुछ इस तरह के किचन बनाने हैं इसके लिए हमें पेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। पेंट्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम डुको करवाएं या फिर PU पेंट। अब किचन के अंदर जो है वो डुको तो अवॉइड ही करना, क्योंकि जो डुको पेंट है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होता कि जो किचन में चल सके। हालांकि कर सकते हो आप, अगर मेंटेन कर सकते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पर जो प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा वो PU पेंट ही रहेगा रादर देन डुको। अब PU जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तभी ऐसे किचन आपको कम देखने को मिलते हैं। पर हाँ, PU की अच्छी बात है काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, अगर आपने ठीक से उसको मेंटेन किया तो ये आराम से 10 से 15 साल इसका कुछ नहीं जाने वाला, आपको बेसिकली रिपेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पेंटर्स की भी काफी ज्यादा इसके अंदर मेहनत लगती है, पेंट खुद काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा निकल के आती है, तो इस वजह से महंगा होता है। पर हाँ, ये भी जब आप बनवाओ तो इसको भी आप MDF में मत बनवाना, आप HDHMR के अंदर जाओ। इसके बाद अगर हम हिंजेस की बात करें, जो किचन में शटर्स में हम हिंजेस इंस्टॉल करेंगे यूजुअली, जो कि हम ज्यादातर जो ओवरहेड कैबिनेट्स होते हैं उनमें हम हिंजेस इंस्टॉल करते हैं, वो आप हमेशा
ऑटो हिंजेस ही हमें यूज करने हैं। बेसिकली जो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस होते हैं वही हमें यूज करना है, हमें नॉर्मल हिंजेस के साथ नहीं जाना है। अब ऑटो हिंजेस का फायदा ही होता है, अगर आपने किसी शटर को जोर से बंद भी किया तब भी वो शटर लास्ट में आके बिल्कुल धीरे से बंद होता है, कोई नॉइस क्रिएट नहीं होती उसकी वजह से, और जो शटर को बार बार जो इम्पैक्ट झेलना पड़ता है वो भी इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जो शटर की लाइफ है ओवरऑल, जो हमारे हार्डवेयर लगे हुए हैं उनकी लाइफ भी एक तरह से इंप्रूव हो जाती है। बस इसके अंदर ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो कि जो कॉर्नर यूनिट जो हमारा आने वाला है और वहाँ पे कोई भी हम मॉड्यूलर फिटिंग इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर नॉर्मल शटर्स ही प्रोवाइड करने होंगे, और वो शटर्स क्या है 90 डिग्री पे खुलकर सीधे हमारे सामने आ जाते हैं और हम उस स्पेस को ठीक से यूज नहीं कर पाते। तो वहाँ बस आप एक चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्मल अगर आप शटर प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे हमें यूज़ करने हैं 165 डिग्री के हिंजेस। अब 165 डिग्री के हिंजेस के अंदर क्या रहता है कि नॉर्मल हिंजेस तो हमारे 90 डिग्री पे खुलकर सीधे हमारे फेस के सामने आ जाएंगे, पर ये वाला हिंजेस यूज करने पर ये सीधे साइड के जो शटर्स हैं उनके ऊपर तक चले जाएंगे, इनकी बेसिकली जो ओपनिंग होती है वो काफी ज्यादा वाइड होती है, तो फिर जो कॉर्नर है उसे एक्सेस करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और अब अगर हम चैनल्स और बास्केट्स की बात करें तो इनके अंदर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, या तो हम वायर बास्केट के साथ जाएं या फिर इनोटेक और टेंडम के साथ। अभी जो इनोटेक और टेंडम ये दोनों सेम ही चीज है, ये हैफले और हैटिक दोनों ब्रांड्स इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। अब वायर बास्केट जो है वो हमेशा से चलता आ रहा है, इनके अंदर जो चैनल्स इंस्टॉल होते हैं टेलीस्कोपिक चैनल इंस्टॉल होते हैं। अब अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक लो बजट के अंदर किचन बनाना है तो आप इनके अंदर जा सकते हो, इनके अंदर कोई इशू आता भी नहीं है। बस ये कि आज के जमाने की जो प्रीमियम फिटिंग है वो नहीं है, इनका टाइम अब जा चुका है, बजट बिल्कुल नहीं है तो आप इनकी तरफ जाओ, वरना इनको अवॉइड ही करो आज के टाइम पर, आप जाओ इनोटेक और टेंडम के साथ। अब ये फिटिंग जो है लिटरली बहुत ज्यादा प्रीमियम है, प्रीमियम इन द सेंस क्वालिटी एंड जो एक्सपीरियंस हमें इसको यूज करने पे मिलता है उसके अंदर। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इनकी काफी ज्यादा होती है टेलीस्कोपिक चैनल के कंपैरिजन में, और जो इनका मूवमेंट है काफी ज्यादा स्मूथ होता है। अगर आप टेलीस्कोपिक चैनल के अंदर सॉफ्ट क्लोज ले भी लेते हो उनके अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्ट क्लोज का, और वो इतना स्मूथ नहीं होता। और आप ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने हमारे घर के किचन के अंदर किया हुआ है कि आप दोनों को यूज करो कॉम्बिनेशन के अंदर। जो बास्केट्स कम यूज में आती है, जो एक तरह से कुछ हद तक डेड स्टोरेज बनी हुई है, उनके अंदर हम नॉर्मल वायर बास्केट इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो हमारे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली घर के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आने वाले जो ड्रॉर्स हैं वो कुछ हम टेंडम या इनोटेक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। अब रही बात हैंडल्स की, जैसे कि मैंने किचन डिजाइन मिस्टेक की वीडियो में बोला था, इस तरह के हैंडल्स हमें इंस्टॉल नहीं करने, काफी ज्यादा घटिया क्वालिटी के आते हैं सच बोलो तो, एक टाइम के बाद लूज हो गए हाथ में आ जाएंगे, काफी लोगों ने चीज एक्सपीरियंस की भी होगी। तो अब अगर आपको मॉडर्न किचन बनाना है, स्लीक फिनिश चाहिए कुछ इस तरह के किचन की, तो आप जी प्रोफाइल के अंदर जाओ, कोई एक्सपेंसिव नहीं आती है सच में, ये और इनमें भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, पर मेरा फेवरेट तो मैट ब्लैक है, मैट ब्लैक के अंदर जो इनकी फिनिशिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी निकली आती है। और थर्ड ऑप्शन है शटर्स के अंदर ही कुछ इस तरह के ग्रूव्स बनवाकर हैंडल्स बना सकते हो, ये कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू प्रोफाइल, और भी मार्केट में ऑप्शंस हैं एक स्लीक हैंडल्स के अंदर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शंस है हमारे पास, दो तीन और भी बहुत सारे इनके अंदर स्लीक हैंडल्स के डिजाइन्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और जो ये प्रॉपर हैंडल होते हैं जो ऐसे ओल्ड स्कूल हैंडल्स हैं, ये आप कुछ इस तरह के पीयू के अंदर किचन बनवा रहे हो तो ही आप उन्हें इंस्टॉल करना, क्योंकि इनके अंदर हैंडल्स भी जो आएंगे थोड़े प्रीमियम आएंगे, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं और वो अच्छे भी सिर्फ इन्हीं के ऊपर लगेंगे। तो बजट के भी मार्केट में ऑप्शन है, बस आपको पता होना चाहिए क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते। तो मुझे उम्मीद है आपके किचन मटेरियल से लेके जो भी काफी सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।